केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 PFA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर व बिलासपुर में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे 260 बेड को सीधी ऑक्सीजन मिल पाएगी। अनुराग ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ये प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ऊना में 500 LPM तथा हमीरपुर व बिलासपुर में क्रमशः 120 LPM के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम ने तीनों जिलों के कोविड सेंटरों में इसके लिए सर्वेक्षण किया है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ये कार्य रिकॉर्ड 20 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विदेशों से आयात होने वाले ऑक्सीजन प्लांट और मशीनरी पर उत्पाद शुल्क के अलावा कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए धनराशि को अलॉट किया गया। इसी तरह जरूरतमंद लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,00,000 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर आयात करने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं आशा करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम खुद को सुरक्षित रखते हुए जिस किसी की जैसे हो जहां हो मदद कर सके उसके लिए जरूर आगे आए। लेकिन उससे पहले मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए, हाथों को निरंतर साफ करते रहें। इस बार तादाद बहुत बढ़ गई है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि जितने कम से कम केस होंगे उतने ही हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्वास्थ्य के सुविधा पर कम दबाव बन पाएगा। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मैंने भी अपने सांसद होने की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 105 सिलेंडर भिजवाए। इसके अलावा तीनों जिलों में PFA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाने का निर्णय किया है। ये सरकार की मदद से बाहर की मदद करवाने का प्रयास किया है, जिसमें 500 LPM का एक प्लांट लगेगा, 120 LPM के 2 प्लांट लगेंगे और कुल मिलाकर हम 250 बिस्तर की सुविधा ऑक्सीजन के साथ कर पाएंगे। एक बड़ा योगदान होगा। ये WHO अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी है और जहां देश भर में 4-4, 5-5 महीने का समय लग रहा है, हम इसको 1 महीने के अंदर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों में करके देंगे। इसके अलावा पहले भी हमने PPE किट, मास्क, सैनिटाइजर और बाकी सब कुछ पिछली बार भी बांटा था, लोगों की मदद भी की थी। मैंने 5-6 जिलों में बात की है डिप्टी कमिश्नर और CMO से, जहां जहां जिस जिस चीज की आवश्यकता है मैं व्यक्तिगत रूप से वो भी हर जिले में मदद करने के लिए आगे आ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी जिला होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी मदद करने के लिए इस समय मैं 24 घंटे उनके बीच में उपलब्ध हूं और जो भी सहायता उनको चाहिए होगी उसको बढ़ चढ़कर हम आगे करेंगे। अगले कुछ दिनों के अंदर प्रदेश के हर जिले में कोविड से लड़ने की और भी सुविधाएं और सामान उन तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।